बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फजल करम रहमत से और शुक्र से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें। तो अभी जनाब माशाल्लाह इस वक्त जो मैं अपनी ज़मीन पर खड़ा हूँ बाहर दुकान के बाहर, तो फसल जो माशाल्लाह पक गई है और तैयार हो गई है। तो हमने सोचा कि अभी जनाब ये मशीन आ रही है, तो वो देखिए मशीन आ रही है, पीछे वो नज़र आ रही है आपको, तो मशीन आ रही है। अभी जो है ना ये करवा लें तो फसल को जो कटाई करवा लें मशीन से तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में फिर मौसम ही ख़राब हो रहा है अभी, तो आगे शायद मौसम ख़राब हो तो जो काम हो जाए वो बेहतर होता है। अभी मशीन में उन्होंने मशीन को खड़ा कर दिया है क्योंकि उसमें कोई थोड़ा सा छोटा मोटा मसला हो गया, तो अभी मसला ठीक करेंगे तो फिर दोबारा शुरू कर देंगे। देखते हैं कितना बड़ा मसला कितनी जल्दी हल कर लेते हैं, ये उम्मीद है जल्दी कर लेंगे क्योंकि गर्मी बड़ी है, रोज़ा भी रखा हुआ है और इधर खड़े नहीं हो रहा, और नज़ारा खड़ा धूप है बहुत सख्त, तो खड़ा होना मुश्किल है बहुत ज़्यादा इधर धूप में। माशाल्लाह जी ये देखिए जनाब, ये इधर गट्ठी की हुई है सारी गंदम जो हुई है,
अभी ये सुखाने के लिए जो है ना गीली है, तो सुखाने के लिए धूप में जो है ना इसको बखेर के रखा हुआ है जनाब। तो अभी ये सूखेगी तो फिर ही करेंगे इसका अगला काम, इसको 2-3 दिन सही धूप लगवाएंगे इधर। मशीन ने सफाया कर दिया, मशीन अब चली गई है जनाब, तो माशाल्लाह जनाब। तो मशीन ना ये सारे अभी वैसे जो है ना फसल जो गीली थी, वैसे यकीन करें कि हमने ज़्यादा थोड़ी जल्दी की है, जल्दबाजी की है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, अभी कुछ देर रहने देना चाहिए था। तो फिर बस सब लोग शुरू हो गए थे रमज़ान की वजह से, तो इसलिए हमने भी फिरकवा दी। हमारे जो है ना साइडों पर सब जो है ना सब लोग जो है ना फारग हो चुके थे, तो इसलिए हमने भी फिर ये काम जो है ना ख़त्म करवा दिए। तो इसको देखते हैं ना माशाल्लाह जो भी होगा फिर।